नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह फिर से एक बार बिहार स्टोरी के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइव बायोस्कोप। इस बायोस्कोप के ज़रिए हम आपके लिए लाएंगे कुछ अच्छे, अनोखे, शानदार और नए वीडियोस और कवरेज जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है जो मछली खाने का शौक रखते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां आप अपने मर्जी मुताबिक ना सिर्फ मछली वो भी जिंदा चुन सकते हैं, बल्कि आप उसे बंसी या फिर नेट के जरिए पकड़ भी सकते हैं और पकड़ने के बाद आप उसी रेस्टोरेंट के शेफ़ को उसे बनाने या पकाने के लिए भी सौंप सकते हैं, जो कि महज आधे घंटे के भीतर वो बेहतरीन तरीके से बनाकर वो आपके टेबल पर परोस देता है। इस अनोखे एहसास का अगर आपको मज़ा लेना है तो आपको पकड़ना होगा पटना में दानापुर के नज़दीक गोला रोड की राह। बेली रोड से गोला रोड में उतरकर लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर जाने पर सेंट कैरेंस स्कूल है, उसी के बगल में ये अनोखा रेस्टोरेंट है जिसे लोग दनियावा फिश ढाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको आज उस रेस्टोरेंट में, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चूँकि हम लोग बोरिंग रोड से चले हैं और बेली रोड पर आए हैं और बेली रोड से हम लोगों ने दानापुर की तरफ रुख किया है। जब आप दानापुर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दो ब्रिज मिलेंगे, दो पुल मिलेंगे, उन दोनों पुलों को पार करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी सेकेंड पुल को पार कर रहे हैं। इस पुल को पार करने के बाद ही थोड़ी दूरी पर आपको दाहिने तरफ गोला रोड मिलेगा। पुल को पार करने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि गोला रोड कहाँ है, तो आपको आसानी से बता देगा। और ये हम लोग गोला रोड पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये दाहिने तरफ है इसलिए हमें यहाँ से यू टर्न लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन। यूटर लेने के बाद आगे थोड़ी दूर ही जाके हमें फिर लेफ्ट मुड़ना है। बहुत ही आसान लोकेशन है क्योंकि ये बेली रोड पर ही है, आपको कोई पहुंचने में खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए गोला रोड के मुहाने पर ही एक पेट्रोल पंप भी है और यहाँ से हम गोला रोड में इन कर रहे हैं। यहाँ से ये गोला रोड की शुरुआत हो चुकी है। गोला रोड में इंटर करने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो भी हो उसके आसपास अंदर आने के बाद आपको सेंट कैरेंस स्कूल दिखेगा। और सेंट कैरेंस स्कूल के ख़त्म होते ही उसके बगल से एक रोड गई हुई है, ज़्यादा अंदर नहीं, बस उस रोड में थोड़ा सा आप उतरेंगे तो आपको दनियावा ढाबा, फिश ढाबा आपको दिख जाएगा। ये रहा सेंट कैरेंस स्कूल, उसकी बसें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। और स्कूल की बाउंड्री ख़त्म होते ही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दाहिने तरफ रोड गई हुई है और सामने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक गेट बना हुआ है दनियावा फिश ढाबा करके। ताज़ा मछली दिमाग बढ़ाता है, काफ़ी चर्चित ढाबा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको सिर्फ गोला रोड में दाहिने मुड़ना है और मुड़ते ही आपको वो ढाबा मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा दनियावा फिश ढाबा। तो हम बैठे हुए हैं दनियावा फिश ढाबा में और हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर केसी सिन्हा जी। तो केसी सिन्हा जी से मैं चंद सवाल पूछूंगा। केसी सिन्हा जी, ये बताएं कि ये जो ढाबा है, ये जो फ़िश रेस्टोरेंट है, ये अपने आप में अलग कैसे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ क्या अलग से व्यवस्था रखी है जिसके कारण ये आज पटना में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमारा स्पेशलिटी फ़िश रेस्टोरेंट है,
काइंड ऑफ ढाबा कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एम्बियंस ढाबा कॉन्सेप्ट का दिया है। यहाँ लाइव फिश का मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, जो अभी तक कोई रेस्टोरेंट लाइन में एटलीस्ट कोई ट्राई नहीं कर रहा था, और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा चीज़ दिया जाए जो अभी कोई ट्राई नहीं कर रहा और उससे ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं। तो लाइव फिश हमारे पास एक बड़ा सा टैंक है जहाँ पे हम लोग फिश रखते हैं, वहाँ से फिश ओन फिश का कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, कि जहाँ से आप खुद से पकड़ के, बंसी है जाल है वहाँ से खुद से पकड़वा के खा सकते हैं। और बहुत सारी मछलियाँ हमारे यहाँ ऐसी हैं जो सुबह सुबह लाइव आती हैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है कस्टमर कंज्यूमर के लिए, तो उसको हम लोग हाफ डन करके भी रखते हैं। तो दोनों तरह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ओपन है। हमारे यहाँ हर तरह के क्लाइंटाइल भी हैं, हर बजट के क्लाइंटाइल हैं ताज़ा खाने के लिए, तो ताज़ा मछली। तो ये कैसी सिन्हा जी, पटना में ये कब आपने शुरुआत किया और ये आइडिया कहाँ से आया, इतना इनोवेटिव आइडिया का कि जिंदा मछली को आप चुनिए पकड़िए और शेप से बनवाइए खिलाइए, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो ये कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? जिंदा मछली ये इनफैक्ट हम 5.5 से 6 महीना हो रहा है अभी इसको स्टार्ट किए हुए, और इसकी प्रेरणा दो गरीब लोगों से आई है। जब बेसिकली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बीइंग आई एम होटल मैनेजमेंट गाय, जो 21 साल का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट ऑल, हमारा रेस्टोरेंट का चेन भी है बाय द नेम सिजलर स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज में भी हम लोग हैं बंगाल स्वीट्स के नाम से, और ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसका आइडिया हमको रेस्टोरेंट के बाहर एक दिन खड़े थे तो दो गरीब मजदूर आपस में बात कर रहे थे खाने के लिए, और एक ने कहा भूख लगा है, दूसरे ने कहा उतना पैसा नहीं है कि हम इस रेस्टोरेंट में एंटर कर सकें। वो दिन मेरे को स्ट्राइक किया था कि अगर हम इस फील्ड में हैं एज ए होटेलियर तो आपको हर तरह के लोगों को कैटर करना होगा। तो मैंने उस तरह के कैटेगरी के लोग के लिए भी एक अफोर्डेबल प्राइस के लिए मैंने ये ढाबा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और मोस्टली 8-9 वैराइटीज़ की मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं, लाइव फिश के साथ साथ ग्रिल्ड फिश है हमारे यहाँ, रेहू है, कतला है, पंगेसियस है, बचवा है, चेलवा है, प्रॉन्स है, बहुत वैराइटीज़ है हमारे यहाँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स अभी खाना खा रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं और थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। अच्छा सर, ये कौन सा मछली अभी आप खा रहे हैं? ये कतला मछली हम खा रहे हैं अभी। अच्छा, ये जिंदा कतला मछली आपने पसंद किया है, और कैसा है इसका स्वाद? स्वाद तो बहुत अच्छा है, और अभी तक जो मैंने खाया है तो लगभग ठीक ही लग रहा है। तो इस ढाबे के दीवाने बहुत हैं, बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे नियमित रूप से रोज़ आकर खाना खाते हैं,